मैजिकल मनी पार्क। दिल्ली के अपने फार्म हाउस में मिनिस्टर महंती बैठकर रो रहा था। उसका साला गंगाराम वहां पर आया। क्या जीजाजी, आप क्यों रो रहे हो? आम तौर पर आप लोगों को रुलाते हो ना, वैसे आप क्यों रो रहे हो? ओहो, मुझे लगता है कि लाफिंग थेरेपी के जैसे ये भी कोई क्राइंग थेरेपी है शायद। सही है ना? सही है ना? मैंने सुना है कि लाफिंग थेरेपी से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मगर इस क्राइंग थेरेपी का क्या फायदा है जीजाजी? आप तो फायदे के बिना कोई भी काम नहीं करते है ना। ऐसे वो सवाल पे सवाल पूछते रहने पर महंती रोना बंद करके गंगाराम को दे मारा। अरे बेवकूफ, इससे पहले हमने जो सरकार के पास से लोगों की भलाई कर रहे हैं यूं कहकर लिए पैसे और लोगों को धोखा देकर कमाए पैसे सारे अब करेंसी बदलने के वजह से सारे बर्बाद हो गए हैं। अब हमारे पास नया करेंसी भी ब्लैक मनी के रूप में बहुत जमा हो रहा है, उसका क्या करना है ये सोचकर मेरा भेजा गर्म हो रहा है रे। जीजाजी, आप अपने भेजे को ठंडा रखिए, मेरे पास एक चोरी जैसा आइडिया है। हमारे पास जो पैसे है उनसे हम एक मैजिकल मनी पार्क तैयार करेंगे, यानी पार्क में रहने वाले तरह तरह के खेलने वाले चीजों को हम करेंसी से बनाएंगे। तब लोग आकर उस मनी पार्क में अच्छे से खेल कूद कर घर जाएंगे। कहते ही फिर से महंत उसे दो झापड़ मारा। अच्छा है रे, पैसों से मैजिकल मनी पार्क को तैयार करने का आइडिया बहुत अच्छा है, मगर उससे हमें क्या फायदा? मेरे दादाजी मुझसे कहा करते थे कि बिना फायदे के कोई काम नहीं करना चाहिए। कहा गंगाराम तब। जीजाजी, किसने कहा कि हमें इसमें लाभ नहीं है? आप पूरी बात नहीं सुनोगे क्या? इस मैजिकल मनी पार्क में लोगों को वो जो भी खेल खेलेंगे वहीं के वहीं उन पर पैसे बरसेंगे। हम पार्क को उस तरह डिजाइन करवाएंगे। रे नालक, हरदम लोगों को उपयोग होने वाले चीज डिजाइन करने को कह रहे हो, तुम्हारे इस कॉन्सेप्ट के वजह से हमें क्या लाभ है रे? मैं पूछता हूँ, हमारा फायदा क्या है? तुम्हारे भेजे को वो समझ में नहीं आ रहा है, हरदम लोगों में पैसे बर्बाद करने के ही बात करते रहते हो। जीजाजी, यही है असली ट्विस्ट। इस मैजिकल पार्क के बारे में हम अच्छे से पब्लिसिटी देने के बाद लोग उसे देखने के लिए बड़ी आबादी में आएंगे, मगर वहाँ सभी को एंट्री नहीं मिलेगी। जो भी सोने के सिक्के से टिकट खरीदेगा उसे को एंट्री मिलेगा, तो हम उन पर सिर्फ रुपये बरसाएंगे जीजाजी, मगर हम लोगों से सोना हड़प लेंगे। सोना जीजाजी, सोना। खुशी से उछल कर मंत। वाह साले, अद्भुत आइडिया दिया है तूने। फिर देरी किस बात की, जल्दी जाकर उस मैजिकल मनी पार्क का डिजाइन बनाओ, जाओ। गंगाराम मैजिकल मनी पार्क का निर्माण किया। उसके ओपनिंग के लिए आए जीजा महंती से गंगाराम। जीजाजी, पहले आपके हाथों से बोनी कीजिए, सोने के सिक्के से टिकट खरीदिए। महंती उसे पास बुलाकर। ये क्या रे, मुझे भी टिकट खरीदना पड़ेगा क्या? मैं मिनिस्टर हूँ रे, हमें सब कुछ फ्री में मिलना चाहिए, हम टिकट क्यों खरीदे? यहीं पर एक और ट्विस्ट है जीजाजी। एक मिनिस्टर खुद सोने के सिक्के से टिकट खरीदे तो वो मामूली खबर नहीं बनेगी, वो एक सनसनी खबर बनेगी जीजाजी। लोग दौड़ते हुए आएंगे। ऐसे सीधे सीधे कहो ना गधे कहीं के। ठीक है ठीक है, कहकर गोल्ड कॉइन से टिकट खरीद कर अंदर गया और मैजिकल मनी पार्क में पैसों से बनाए तरह तरह के चीजों से खेलने लगा। वो खेल रहा था और पैसे उछल कर गिर रहे थे। बस उस पैसों के ढेर को देखकर महंती। वाह, ये मैजिकल मनी पार्क क्या मस्त है रे, ऐसा पार्क शायद सिर्फ यही है। ये गरीबों के लिए बहुत काम आएगा, ऐसे खेलने के वजह से अपने शरीर को एक्सरसाइज के साथ साथ जेब भर के पैसे भी मिलेंगे, जो चाहे वो खरीद सकते हैं। यूं भाषण देकर चला गया। उस दिन से उस पार्क में बहुत लोग आने लगे और उस मनी पार्क में खेलने लगे। मगर अचानक से उस पार्क में हर दिन कोई न कोई एक खेलने वाला चीज गायब हो जा रहा था। एक दिन मैनेजर भागते हुए आकर गंगाराम से। सर सर, हमारे मैजिकल मनी पार्क में आज एक झूला गायब हो गया सर। ऐसे हर दिन एक चीज गायब हो जा रहा है सर। सारे दरवाजे बंद हैं और कोई भी किसी चीज को बाहर ले जाए जैसा नहीं लग रहा है, मगर वो सब गायब हो जा रहे साहब। वो कैसे गायब हो जाएंगे रे गधे कहीं के? इतना बड़ा झूला कैसे गायब हो जाएगा? हवा में उड़ गया क्या? हम में से ही कोई चोर है, जाओ जाकर निगरानी रखो। मैनेजर तब वहाँ काम करने वालों को लाइन में खड़ा करवाया और उन्हें देखकर गंगाराम। रे
सच सच बोलो, हर दिन एक खेलने वाला चीज गायब हो जा रही है। कौन चोरी कर रहा है? वो कितने कीमती हैं पता है क्या? 1-1 करोड़ रुपए का है। वो सारे चीज असली नोट से बनाए हुए हैं। सर सच में यहाँ काम करने वालों को नहीं पता सर, हमें कुछ नहीं पता सर। रे तुम ऐसे नहीं बताओगे रे? रे मैनेजर तुरंत डिटेक्टिव ब्योमकेश को बुलाओ और वो चोर कौन है पता करेगा। उसके कहने पर डिटेक्टिव ब्योमकेश को बुलाए। डिटेक्टिव जी, इस मैजिकल मनी पार्क के सारे खेलने वाले चीज असली नोटों से बनाए हुए हैं। एक एक चीज बहुत कीमती है, कोई चोर उन्हें गायब कर रहा है। वो कैसे गायब हो रहा है पता भी नहीं चल रहा है, आप ही उसे किसी भी तरह पकड़ना होगा। तभी ब्योमकेश उसे भी बड़े एक शीशे में हर चीज की जांच करने लगा और एक जगह रुककर जमीन पर एक छेद को दिखाते हुए, इधर खोदिए आपका चोर मिल जाएगा। बस गंगाराम, बाप रे चोर कहीं के, यानी एक सुरंग बनाकर हमारे वस्तुएं चुरा रहे हो। ए यहाँ खोदिए, कहकर वहाँ खुदवाया तो तभी उस सुरंग में से एक बड़ा सा चूहा बाहर आया। उसका सारा शरीर पैसों से भरा हुआ था। देखिए यही वो चूहा है जो आपके मैजिकल मनी पार्क में पैसों से बनाई चीजों को खा रही है। ऐसे खाने के वजह से ही वो खुद भी एक करेंसी में बदल गई है। रे क्या इसी चूहे ने हमारे चीजों को गायब कर दिया? अगर ये बात मेरे जीजा को पता चला तो मुझे मार डालेंगे, मेरी चमड़ी उजेड़ देंगे। इस चूहे को पकड़कर इसे एक चूहे दाने में डालिए, इस पे मनी रैट नाम का बोर्ड लगाइए। अगर इसको किसी ने चूहा तो किस्मत चुंबक की तरह आपके साथ चिपक जाएगी, पैसों की बरसात होगी। ऐसे लिखिए, अपने पूरे पैसे वसूल होने तक इसे मत छोड़िए। कर उसे एक चूहे दाने में लगाकर उसके द्वारा भी पैसे कमाने लगे। मैजिकल जेंट की हाउस। मिर्जापुर के गांव में बलवंत और गोकुल कहकर दो लड़के रोड के ऊपर कचरा इकट्ठा करने वाले रहते थे। वे एक छड़ी को चुंबक बांधकर मिट्टी में खींचते हुए ले जाते थे। ऐसे उस चुंबक के पकड़ में आए लोहों को बेचकर उन पैसों से जीते थे। एक दिन बलवंत, गोकुल आज हमें मिले पुराने लोहों के टुकड़ों को बेचने के बाद आए पैसों से तुमको मैं पार्टी देता हूँ। तुम सोच भी नहीं सकते हो कि पार्टी कैसे होगी, एकदम सुपर रहता है। क्या सोच रहे हो, बिरयानी पार्टी देता हूँ? चलो जल्दी लोहे के टुकड़ों को इकट्ठा करके उनको बेचकर तालाब के पास जाकर नहा के फ्रेश हो जाएंगे और अच्छा कपड़े पहनकर रेस्टोरेंट में जाकर बैठकर बिरयानी खाएंगे, बैठकर। अरे क्या स्पेशल है ये पार्टी, किस लिए? आज मेरा जन्मदिन है यार, इसलिए मस्त पार्टी मनाएंगे। अरे अरे किसी ने हमें पैदा करके रोड के ऊपर छोड़ दिए और हम अनाथ बन गए, ऐसे हमें ये जन्मदिन किस लिए रे? ऊपर से उसके नाम पे पार्टी भी नहीं। गोकुल, रोज कचरा इकट्ठा करना, बेचना, ड्रेनेज पाइप्स के अंदर सो जाना, ये सब ठीक नहीं लग रहा है यार। हम भी एक अच्छा सा घर बनाकर उसमें रहेंगे। अरे तुम्हारे बातें तो सुनने के लिए बहुत अच्छे हैं। रेस्टोरेंट में बैठकर खाना, हमारा खुद का घर रहना, सुनने के लिए तो बहुत बढ़िया है और ग्रैंड लग रहा है, लेकिन ये सब कैसे मुमकिन होगा यार? वो मुझे मालूम नहीं है, बस मैंने ऐसा सोचा अगर तुम्हें पसंद है तो रेस्टोरेंट में बैठकर बिरयानी खाएंगे। ठीक है बर्थडे बॉय, चलो आज धूप ज्यादा है लेकिन हम परवाह नहीं करेंगे और मिट्टी में ढूंढेंगे, लोहे के टुकड़ों को इकट्ठा करेंगे, उनको बेचकर पैसे कमाएंगे और पार्टी करेंगे, कहकर उस चुंबक छड़ी को मिट्टी में खींचते हुए जा रहे थे। तब उनको एक बड़ा सा लोहे का चाबी मिला। देखा तो वो बहुत बड़ा है। उसे देखकर बलवंत, अरे गोकुल ये क्या है, देखो हमारे छड़ी से भी बड़ा है। इतना बड़ा लोहे का टुकड़ा बोले तो कम से कम आधा किलो तो रहता है। आज हम डबल बिरयानी खाएंगे। तो उस लोहे को अच्छे से जांच करके गोकुल, अरे ये तो लोहे का चाबी जैसा लग रहा है। अरे बाप रे इतना बड़ा चाबी है तो वो लॉक कितना बड़ा होगा और कितना बड़ा दरवाजा होगा। मुझे तो ये महाराजाओं की जमाना का चाबी जैसा लग रहा है, नहीं तो इतना बड़ा कैसा रहता है। अरे हमारे पास तो घर नहीं है ना, और हमें कोई नहीं है कहकर हम दुखी हो रहे हैं। शायद भगवान हमें एक बड़ा सा घर देने वाला है। तुम्हारे मुंह अगर देना है तो हमें ऐसे भिखारी बनाकर ऐसे रोड के ऊपर क्यों छोड़ दिया? तुम्हें किसी अंबानी के घर में, मुझे किसी अमिताभ बच्चन के घर में क्यों नहीं पैदा किया? तब उस चाबी को देखकर बलवंत, अरे गोकुल इसके ऊपर कुछ लिखा है, क्या है पढ़ो। मुझे इतना पढ़ना आता है तो ये कचरे का काम क्यों करता हूँ? एक काम करते हैं, किसी से पूछते हैं इस पर क्या लिखा है, वो पढ़ने वाला पढ़कर सुनाएगा ना। अरे एक मिनट रुको, अगर इस चाबी किसी गुप्त निधि का है तो वो पढ़ने वाला हमसे भी पहला जाकर उसे ले लेगा ना। हाँ ये तो है, किसी स्कूल बच्चे को रोककर पूछते हैं, वो बच्चा तो हमको धोखा नहीं दे सकता है ना, ऐसे वाले से पूछते हैं।
इतने में उधर से एक स्कूल बैग लगाकर स्कूल जा रहा मोटू दिखाई दिया। गोकुल उसे रोक कर, अरे इधर आओ, तुम इंग्लिश मीडियम में है ना, अच्छा पढ़ते हो क्या? मुझे तो लग रहा है कि तुम्हें पढ़ना नहीं आता है। अरे भैया, मैं तो बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ और मैं क्लास में फर्स्ट हूँ। ओहो, ऐसा है क्या? अगर तुम क्लास में फर्स्ट आए तो इसके ऊपर इंग्लिश में कुछ लिखा है, वो पढ़ के बताओ। अरे भैया, ये इंग्लिश नहीं है, हिंदी है। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, पूरा जंगल ढूंढो। जंगल के बीच में आकर 7 फीट में रहने वाला उस नैरुति को ढूंढो, बहुत सारे संपत्ति मिलेगी, कहकर लिखा हुआ है इसके ऊपर। भैया क्या? भैया ये कोई मजाक है क्या? हाँ हाँ हाँ, ये तो मजाक है, मजाक है। जाओ जाओ स्कूल जाओ, फिर से फर्स्ट रैंक आना है, जाओ जाओ। अरे बल्लू, उस छोटे को 20 रुपए दे दो, आइसक्रीम खाएगा, कहकर उनको 20 रुपए दिया। बाद में उस जेंट की को ले जाकर दोनों जंगल में गए। अरे हम जंगल के बीच में पहुंच गए, अब इधर से ये नैरुति 60 फीट में है। अरे ये नैरुति क्या होता है? अरे उस छोटू से पूछना था ना, अब देखो हमारा जिंदगी अब कुत्ते का जिंदगी बन गया है। अब ये नैरुति क्या है पता नहीं है, और हम उसे कैसे ढूंढेंगे? ऊपर से इस जंगल में किस कोने से कौन सा जानवर आकर हम पर वार करेगा, कहकर मेरा सुसु भी निकल रहा है। अरे तुम ऐसे डाउट्स पहले पूछना था ना रे, अब हमें फिर से गांव में जाकर उस मोटू से कब पूछेंगे और फिर कब जंगल में आएंगे, सब बेकार में चला गया, कह रहा था। इतने में पेड़ के पीछे से मोटू आकर, अरे तुम दोनों फिकर मत करो, नैरुति बोले तो दक्षिण और उत्तर के रहने वाला बीच को नैरुति कहते हैं, ये देखो इधर से 7 फीट जाना चाहिए। अरे वाह, तुम तो सुपर हो, लेकिन तुम इधर कैसे आए? आप कुछ करने वाला है कहकर मुझे पता चला, और वो क्या है पता करने के लिए आपका पीछा किया। अरे मोटू के बच्चे, इस मोटू को हम बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए, पकड़ो इसको छड़ी से मारेंगे। जाने दो यार, अगर मोटू इधर नहीं आया तो हमें उस नैरुति के बारे में कैसे पता चलेगा, पहले उस नैरुति के पास जाएंगे चलो। वे ऐसे जा रहे थे तो दूर में एक बड़ा सा लॉक दिखाई दिया, उसे देखकर बलवंत, अरे गोकुल घर है, लॉक जैसा घर, हमारे मुश्किल दूर हो गए हैं, हम अब इस घर में रह सकते हैं। अरे पहले तो उस जेंट की लगाकर उस लॉक को तो खोलो, अगर उसमें सोना मिला तो मुझे भी हिस्सा देना पड़ेगा। हाँ हाँ देंगे रे देंगे, तुम इतना जोर से चिल्लाओ मत, कहकर उस बड़ा सा चाबी से उस मैजिकल जेंट की हाउस को खोले, तब उसमें से एक बड़ा सा भूत आई। और मोटू को खींचकर अंदर लेकर चली गई। बलवंत और गोकुल दूर भागकर देख रहे थे। अरे हम तो जैसे भी बच गए, लेकिन उस मोटू का क्या होगा, उसके माँ पिता ढूंढेंगे उसके लिए, कुछ ना करके उस मोटू को बचाना चाहिए। बाप रे, बचाना कुचाना कुछ भी नहीं, तुम जाओ, उस भूत को नहीं देखा क्या, कितना बड़ा है, उस मोटू को अब तो बिरयानी बनाकर खा लिया होगा। इतने में मोटू उनके पॉकेट्स में सोने के सिक्के भरकर बाहर आया। अरे मोटू तुम बाहर कैसे निकले, वो भूत तुमको कुछ नहीं किया क्या? नहीं वो तो मुझे कुछ नहीं किया, ऊपर से ये देखो मेरे जेब में पूरे सोने के सिक्के भरकर भेजी है। आप भी जाओ, उस भूत को किसी ने इस मैजिकल जेंट हाउस में बंद करके रखे थे, इतने सालों के बाद उनको हमारे वजह से ही मुक्ति मिला है, इसलिए मुझे बहुत ढेर सारा सोना दिया। तब बलवंत और गोकुल दोनों मिलकर अंदर भागे और भूत से बलवंत, हेलो मैडम, भूत मैडम, आपका मुक्ति का कारण हम दोनों हैं, हम दोनों को भी आपको बहुमान देना पड़ेगा। तब भूत आकर उन दोनों को बहुत सारे सोने के सिक्के दिया, बाद में उनको बेचकर एक छोटा सा मकान खरीदकर बिरयानी खाते हुए बलवंत और गोकुल खुशी से जीने लगे।